किसान के लिए इस तरह के वादे आपने अनेकों बार सुने होंगे। जय जवान जय किसान कहते कहते देश आज इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां लगभग हर रोज एक किसान आत्महत्या कर रहा है। बेशक भारत ने तकनीक के क्षेत्र में बेहतर कदम उठाए हो, लेकिन इस बदलते समय के साथ साथ किसानों की हालत भी बदल गई। आलम ये हो गया है कि देश का अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए आज सड़कों पर है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीर एमपी के मंदसौर की है जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानो अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि देश को खाना खिलाने वाला किसान आज पुलिस की गोलियां खा रहा है। किसानों के इस आंदोलन में कुछ किसानों की मौत की खबर भी सामने आई है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने किसानों पर लाठियां भांजी थी जिसकी वजह से कुछ किसानों की मौत हो गई और कुछ को गंभीर चोटें आई हैं, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के लिए संवेदना जताई है। संवेदना के साथ सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को हिंसात्मक रंग देने का प्रयास किया, रूप देने का प्रयास किया। कई जगह कांग्रेस के नेता लगातार ये प्रयास करते रहे कि कैसे भी अशांति फैल जाए, आग लग जाए, ताकि इस पर राजनीति की जा सके। ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में अक्सर एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने का काम नेता करते हैं, लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले शिवराज को ये सोचना चाहिए कि बीते 15 बरस से एमपी की सत्ता का सुख शिवराज सिंह चौहान ही भोग रहे हैं। तो इन बीते 15 बरस में किसानों की बदहाली का सरकार को पता न चले, ये बात किसी के भी गले नहीं उतरेगी। तो बेहतर होगा कि आरोप लगाने से ज्यादा शिवराज किसानों पर ध्यान दे, ताकि राज्य के किसानों को मौत की बजाय बेहतर सुविधाएं मिल सके। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।